हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो। मैं हूं दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडर में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सामने है हीरो की बाइक, हीरो एक्सपल्स 204V। जी हाँ, ये एक्सपल्स है, आप देख सकते हैं एक्सपल्स 200 और ये 4V है। आज हम इसके बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे, जानेंगे इसके फीचर, प्राइस और क्या न्यू अपडेट है इस बाइक में। और ये हीरो की तरफ से एक एडवेंचर टूरर बाइक होने वाली है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे, जानेंगे इन सभी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस बाइक के फ्रंट लुक को देखेंगे और लुक काफ़ी बढ़िया मिल रहा है आपको। और यहाँ से देखेंगे इस बाइक में आपको फ्रंट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और ये 2022 का मॉडल है, इसमें अभी आपको 2023 मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से पहले आप देख सकते हैं इसमें आपको विंडशील्ड मिल रही है वाइट कलर में, मतलब आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ में। नंबर प्लेट आप यहाँ देख सकते हैं और इसमें आपको राउंड हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिलेगी, फुली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आपको इसमें हाइलोजन बल्ब के साथ में मिलेंगे, ये आपको फ्लेक्सिबल देखने को नहीं मिलेंगे। इस पर आपको नकेल गार्ड भी देखने को मिलेगा। साथ में आप देखेंगे इसके जो फ्रंट का सस्पेंशन है, सस्पेंशन आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मोटे सस्पेंशन आपको मिलेंगे 37mm के, और काफ़ी लंबा ट्रैवल गैप आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडवेंचर बाइक है, एडवेंचर टूरर बाइक है, तो इसमें आपको जो मडगार्ड है इसका आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं ये बाइक काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में लगेगी और है भी ये बाइक। और यहाँ से आप देखेंगे इसके जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन को आपको फुल रबर पैडिंग के साथ में इसमें कवर किया गया है। इसमें आपको डुअल मडगार्ड देखने को मिलेंगे। साथ में आप देख सकते हैं इसके व्हील को, व्हील इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगी, इसमें आपको स्पोक व्हील देखने को मिलेगा। और ये व्हील आपको काफ़ी बड़ा साइज़ का देखने को मिलेगा। यहाँ पर सस्पेंशन आप देख सकते हैं काफ़ी मोटे सस्पेंशन मिलेंगे और इसमें आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। साथ में आप नीचे साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको ABS की ब्रांडिंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और इसके जो टायर हैं ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाले आपको देखने को मिलेंगे। और व्हील आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में मिलेगा और स्पोक आपको देखने को मिलेंगे। व्हील का ये मिड पार्ट है, जो हब है, ये हब आप देख सकते हैं कैसा आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको कुछ गियर टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसके दांते देखने को मिलेंगे, इसमें स्पोक जो लगाया गया है, व्हील को पूरा कसा गया है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें आपको 276mm की बड़ी डिस्क देखने को मिल जाती है, जिसमें काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिल जाएगी। और इसमें आपको जो टायर मिलते हैं, ये टायर आपको C8 की तरफ से देखने को मिलेगी। और इस टायर में आप देख सकते हैं फ्रंट में 90-90-21, मतलब आपको 21 इंच का इसमें व्हील देखने को मिलेगा और ये ट्यूबलेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा टायर देखने को मिलेगा, मतलब आपको फ्रंट में बहुत ही बड़े साइज़ का टायर देखने को मिलेगा। और फ्रंट इस बाइक का कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ से और यहाँ दोनों साइड में इसमें DRL देखने को मिल जाएंगे। मैं इसे ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आपको छोटे छोटे DRL देखने को मिल जाएंगे, फुली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक के लिए आपको यहाँ पर वायर देखने को मिलेगी। तो फ्रंट इस बाइक का कुछ ऐसा आपको देखने को मिलने वाला है, आप देख सकते हैं ये बाइक आपको कुछ ऐसे मिलेगी। और आप देख सकते हैं नकेल गार्ड पर भी आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका बॉडी पैनल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्लू कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सपल्स की ब्रांडिंग ब्लैक कलर के साथ में, एक्सपल्स आपको सिल्वर कलर के साथ में देखने को मिलेगी। साथ में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको प्रोग्राम्ड FI की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। पैनल में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा लोगो देखने को मिलेगा हीरो का H, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर आप इस काउल में देखेंगे हीरो की ब्रांडिंग आपको लोगो देखने को मिल जाता है, जो प्रॉपर है। और यहाँ से आप देखेंगे इसका जो ग्रैबरेल है, ये ग्रैबरेल आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी और टूरर पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। इसमें आपको रबर पैडिंग भी देखने को मिल जाएगी, इसमें आप अपना सामान भी कैरी कर सकते हैं। रियर का टेल लैंप आप देख सकते हैं बिल्कुल ही यूनिक डिज़ाइन में दिया गया है,
यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग और टर्न इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिलते हैं, मतलब आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट और नीचे रिफ्लेक्टर, और नंबर प्लेट इंस्टॉल करने के लिए प्लेस भी देखने को मिलेगा। साथ में मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये इस तरफ से बाइक कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं, एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर दिया गया है क्योंकि ये टूरर बाइक है, और यहाँ पर एग्जॉस्ट आपको सिंगल मफलर के साथ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको प्लेट भी देखने को मिलेगी जो क्रोम की हो सकती है या आपको ब्लैक कलर के साथ में देखने को मिल सकती है। साथ में हम बात करेंगे इसके रियर की, तो रियर में आप देख सकते हैं रियर का इसका व्हील आप देखेंगे स्पोक व्हील देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको चेन जो है आपको ओपन मिलेगा, और काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको चेन स्पॉकेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 120/80/17 का टायर मिलेगा, और ये ब्लॉक वाले टायर मिलेंगे आपको, काफ़ी बड़े और ऑफ रोडिंग टायर देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे इसमें ग्रिप मिलने वाली है, एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाएंगे। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो रियर में सस्पेंशन मिलेगा ये आपको रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म विद शॉक अब्जर्वर देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको जो मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फोर्क विद एंटी फ्रिक्शन बुक्स ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इस 200cc बाइक में आपको सेल्फ मिल जाता है, साथ में आपको किक का फीचर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग और एडजस्टेबल फुटरेस्ट देखने को मिलने वाले हैं, ये एडजस्टेबल लीवर मिलेंगे, लीवर भी आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन मिलेंगे। साथ में नीचे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको मेटल की एक प्लेट देखने को मिलेगी, जिससे आप टूर कर रहे हो और कहीं ऑफ रोडिंग में आप चलेंगे तो आपको इस बाइक में कोई भी डैमेज ना हो, तो यहाँ से देखेंगे काफ़ी मोटी प्लेट आपको देखने को मिलेगी। और BS6 बाइक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सेंसर और हॉर्न के सपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसमें आप कुछ भी टकराए नहीं और टूटे नहीं। और बात कर लेंगे हम इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक देख सकते हैं आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा, और इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। बात करेंगे सीट की, तो सीट आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी कुशनिंग के साथ में मिलेगी, सीट कंफर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी सीट इसमें आपको मिलेगी। टैंक में आपको यहाँ पर टैंक पैड भी देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम इस बाइक के इंजन की, तो इंजन आप देख सकते हैं इसमें आपको 199.6 cc का ऑयल कोल्ड 4-stroke 4-valve सिंगल सिलेंडर OHC फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी अच्छी पावर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें मिल जाएगी पावर आपको 19.1 PS की 8000 RPM पर, और इसका जो टॉर्क है ये आपको 17.35 Nm का मिल जाएगा 6500 RPM पर। और यहाँ पर आपको इस बाइक में सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा, और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें आपको ऑयल कूलिंग यहाँ पर मिलेगा, मतलब आपको साइड में देखने को मिलेगा। सभी बाइकों में आपको यहाँ इस एरिया मिलता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही अलग दिया गया है, मतलब आपको अलग एकदम अलग ही देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स सेटअप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको ओपन चेन मिलेगी ये। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से आप देखेंगे इसमें आपको साइड स्टैंड कटआउट सेंसर भी देखने को मिलेगा, और इसमें आपको साइड स्टैंड ही मिलेगा, इसमें आपको मेन स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा। और बात करेंगे हम इस बाइक के डायमेंशन की, तो यहाँ पर इस बाइक में आपको 2222 mm की लंबाई देखने को मिलेगी, विड्थ जो चौड़ाई है ये आपको 850 mm, हाइट इसमें आपको 1258 mm मिलने वाली है। व्हील बेस इस बाइक का आपको मिलने वाला है 1410 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा 220 mm का, और 158 kg इस बाइक का कार्बो वेट मिलेगा। बात करेंगे हम इस बाइक के सीट की, तो सीट हाइट इसमें आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, मतलब आपको 825 mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी। और इस बाइक को मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, तो पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर कंट्रोल की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। और मैं इस बाइक को यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, इसे ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फीचर इस बाइक में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप देखेंगे इसमें आपको टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर, क्लॉक, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, इसमें आपको ट्रिप, और यहाँ पर आपको जो ट्रिप मिलते हैं मैं आपको दिखा दूँ, 2 ट्रिप, ब्लूटूथ और इको जोन, इसमें आपको नेविगेशन भी देखने को मिलेगा।
तो फीचर आपको काफ़ी बढ़िया मिलेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, हाई बीम न्यूट्रल ABS और टर्न इंडिकेटर, आपको ये फीचर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्विच बार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाएगा पासिंग, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आपको हॉर्न की स्विच मिलेगी। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल किल स्विच के साथ में इनबिल्ट आपको सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिलेगी और बार एंड ग्रिप काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल पीस में इसका हैंडल बार आपको देखने को मिलेगा और इसकी की आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हीरो और यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग यानी लोगो इसमें आपको देखने को मिलेगा। नकेल गार्ड आपको दोनों तरफ देखने को मिले, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाइक आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो ये बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बात करेंगे हम इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है ये आपको मिल जाएगी 1,70,000 में। और ये बाइक आपको उपलब्ध होगी श्याम मोटर्स राधावाटिका, शनिदेव मंदिर, नवाबाग, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आप हीरो की किसी भी बाइक या स्कूटर को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।